सर आपल्याकडे जे बुक आहे ते तिने वाटलेले आहेत सर आमचं काय पाहिजे दूध जोरी आणि किराणा विभाग एका दिवसाची गाडी तिथे जरी गरीमध्ये लावली जास्त आवश्यकता जी आहे तिथे ते खूप शक्यत आता बाई आतमध्ये गल्ल्यामध्ये पण पोरं बसलं आहे त्यानं मास्क घालायला सांगा पण सर चालू आहे सर आलं उस्कर कधी वाजता ते असं पोरं जे बसतात ना ते बघा लहान लहान लेकरे सुद्धा असते गाडी गाडी सुरू करू आता पोलिस गाडी गेली की मध्ये जातात पुन्हा आमची भाग त्याच्यामुळे पोलिस लहान लेकरे बोलाय म्हणजे कुठला पीड सगळं नाही सर नांदेड समझ लो जरा जिम्मेदारी क्या है तुम्हाला मास्क भी पाहिजे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून आपण मास्क घेतलेले अजून घ्या मास्क तर वाटप करा जरा त्यांना एक मिनिट रुको मी पण लेतो रुको सर आज जनता का कैसा सपोर्ट मिला आपण आम्ही सगळ्यांनी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स कमिटीने लॉकडाऊन करताना शनिवार रविवारी कंप्लीट लॉकडाऊन असं म्हणलं होतं. आज सगळ्या एरियात आम्ही औरंगाबादमध्ये फिरलो, आम्ही कॅनटला गेलो होतो, सिडकोमध्ये जाऊन आलो, आज रोशन गेटला आलो इथं आपण. पण इथं जे दिसला की तरुण मुलं रस्त्यावरून बसतात बिना मास्कचे, तर माझी आपल्या माध्यमातून मेरी सबसे रिक्वेस्ट आहे की जब भी बाहर निकले तो मास्क के साथ निकले, तो खुद के लिए भी अच्छा है और दूसरे के लिए भी अच्छा है, तो इसका पालन करें. मी पुन्हा सांगतो की आपण जे लॉकडाऊन सुरू केला हॉटेल्स बंद आहेत, दुकान बंद आहेत, परंतु आपण इथं नागरिकांची कुठेही गैरसोय होऊ देत नाही. हम किसी नागरिक को कोई भी गैरसुविधा नाही होणे दे रे,
दूध की दुकान शुरू है, किराना शॉप शुरू है, मेडिकल शॉप शुरू है, इसलिए और हम जब करने जा रहे हैं कि दो तीन दिन से औरंगाबाद में बहुत ज़्यादा पेशेंट मिल रहे थे, कल तो 900 से ज़्यादा हो रहे थे, आज लगभग 600 से ज़्यादा है। हम सभी मिलकर अच्छा प्रयास करेंगे, अभी पुलिस जितनी भी रस्ते में खुद पुलिस कमिश्नर साहब घूम रहे, लेकिन जब तक हर एक नागरिक नहीं बोलेगा कि मैं मेरे से शुरुआत करूंगा, मैं मास्क पहनूंगा, मैं सोशल डिस्टेंसिंग रखूंगा, मैं मेरा बर्ताव ऐसा रखूंगा कि मैं कोरोना को रोक सकूं, तो बिल्कुल तभी प्रशासन के प्रयत्न अच्छे हो सकते हैं। मैं सभी प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी आभारी हूँ, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम करके बहुत अच्छी चेतना समाज में जागी है, लेकिन इसको हमको कायम रखना है। ये अच्छा हो जाएगा, जैसे ही सुधार अच्छे हो जाएंगे तो सर एक सवाल लेते हैं, पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर को घरों घर जाके लोगों को समझाना पड़ रहा है, क्या आंकड़े देखकर ऐसा लग रहा है सर कि आगे और गंभीर तो पेशेंट आ सकते हैं सर, हम कम आंकड़े आ सकते हैं? देखिए ऐसा है कि आंकड़े आ सकते हैं या नहीं, ये हमारे शहर के नागरिकों पर डिपेंडेंट है। लॉकडाउन जब से लगा है, बाय एंड लार्ज शहर के नागरिकों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। आज सैटरडे को फुल लॉकडाउन था और ये खुशी की बात है कि 90% 95% तक लोग जो हैं वो मास्क पहनते नज़र आ रहे हैं, दुकानों हैं सब बंद हैं, और कुछ जगह बच्चे हैं जो शायद थोड़ी बात नहीं समझ रहे हैं, लेकिन उनमें भी थोड़ी चेतना जगाने की आवश्यकता है, उनको इसका सीरियसनेस समझाने की आवश्यकता है। बट ओवरऑल हम लोग काफ़ी खुश हैं, समाधानकारक हम महसूस कर रहे हैं कि नागरिकों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, और अगर इसी तरह का अच्छा रिस्पांस बढ़ा तो निश्चित केसेस की संख्या कम होगी, ऐसा हम सबका विश्वास है। सर एक सवाल ये है कि धार्मिक स्थल को लेकर लोगों के अंदर बहुत कंफ्यूजिंग है, नमाज के लिए मस्जिद में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, ज़रा सा क्लियर। धार्मिक स्थल बंद नहीं किए गए हैं, लेकिन आस्था का जो विषय है वो अकेले लोग जा सकते हैं, मंदिर में प्रार्थना कर सकते हैं, नमाज पढ़ी जा सकती है, या तुम्हारे क्रिश्चियन भाई हों या सिख भाई हों, वो अपने अपने धर्म के अनुसार जाकर प्रार्थना बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि भीड़ नहीं करनी है और सबने मास्क पहनना है, और जहाँ इकट्ठे भी हो रहे हैं कुछ लोग मान लीजिए तो डिस्टेंस रखना है। अगर इन बातों का ख्याल रखेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं होगी। बस कोई बड़े प्रोग्राम ना करें, चाहे वो धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, राजकीय हो, बड़े प्रोग्राम कहीं नहीं करनी है, इंडिविजुअल आस्था का सवाल है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। सर मास्क को लेकर पुलिस की कार्रवाई तेज कर दी गई आज से? हाँ, अभी कॉरपोरेशन के काफ़ी सारे स्क्वाड मास्क के लिए कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगा कि वो थोड़ी कम पड़ रही है, तो म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने वो डेलीगेशन ऑफ पावर पुलिस डिपार्टमेंट को भी दिया है, तो कल सुबह से सभी 17 पुलिस स्टेशन में एक एक दो दो स्क्वाड बनाए गए हर थाने में, और वो लोग भी मास्क की कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा मकसद किसी को दंड देना या उनसे फाइन वसूल करना ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब लोग अगर कोई बात नहीं सुन रहे हैं बार बार बताने के बाद भी, तो मजबूरन ये कार्रवाई करनी पड़ रही है। लेकिन फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 3-4 दिनों में हम लोग शहर के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं और नागरिकों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, स्पेशली आज सैटरडे को जो फुल लॉकडाउन है उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। शहरवासियों से ये कहना चाह रहे हैं इसी तरह स्पिरिट अपना कायम रखें, आसपास अगर कोई बिना मास्क का दिखता है उसको मास्क पहनने के लिए कहिए, और बहुत जल्दी हम लोग इससे बाहर निकल आएंगे। सर उद्यापासून एक शहरात भीतीचं एक वातावरण आहे की उद्यापासून कडक लॉकडाऊन कंटिन्यूअस राहणार आहे। बघा आता जिल्हाधिकारी महोदयांनी आणि म्युनिसिपल कमिश्नर साहेबांनी एक आदेश काढलेला आहे जो 4 एप्रिल पर्यंत लागू आहे, सध्या तरी तोच निर्णय आहे, परंतु स्थितीनुसार रोज आढावा घेतला जात आहे आणि जशी स्थिती डेव्हलप होईल त्याप्रमाणे निर्णय घेतले जातील, आणि जे निर्णय घेतले जातील ते नागरिकांना आपल्या माध्यमातून आम्ही कळवण्यात आम्ही खबरदारी घेऊ। थँक्यू। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।